हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डेविस्टेटर यानी कि डूम्सडे बैटमैन का ओरिजिन। और सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ जीरो पर लोबो और डेविस्टेटर लड़ रहे थे और डेविस्टेटर ने उससे पहले कई हीरोज को मार दिया और वो दोनों लड़ रहे थे अर्थ जीरो के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के बाहर, जहाँ पर डेविस्टेटर याद कर रहा था कि उसने क्लार्क से क्या कहा था। उसने कहा था कि तुम ही एक ऐसी होप थे जो सबके मन में विश्वास पैदा कर रहे थे। तुम्हें कहा था कि ऐसी दीवारें तोड़ दो जो हमें एक दूसरे की परवाह और एक दूसरे की चिंता करने से रोके, और आज तुम्हें वो सभी दीवारें फिर से खड़ी कर दी और तुमने वो दोनों आंखें खो दी जो भरोसे और विश्वास की थी। तुम गलत थे, तुम हमेशा से गलत थे और मेरे वर्ल्ड में तुमने जो किया वो मैं यहाँ पर होने नहीं दूंगा और तुम जो यहाँ पर कर रहे हो वो नहीं हो सकता। बारबाडोस ने मुझे काम दिया है कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड में रखी गई कॉस्मिक ट्यूनिंग फोक को गौतम सिटी में ले जाया जाए। और लोबो उससे लड़ते वक्त कह रहा था, मैंने अब तक जितने इविल बैटमैन देखे हैं, उसमें से तुम सबसे अगलेस्ट हो और मैं देखना नहीं चाहता कि तुम्हारा रॉबिन कैसा होगा। और ऐसा सुनते ही वो उसका ही ब्लेड उसके सीने में घुसा कर उसे सन की तरफ फेंक देता है। और इस सबसे एक दिन पहले अर्थ जीरो के मेट्रोपोलिस में डेविस्टेटर यानी कि ब्रूस मिलने आया था लुईस लेन से, जहाँ पर वो उससे पूछती है क्या सब ठीक है, क्लार्क को कुछ हुआ है। इस पर वो कहता है नहीं, कुछ ठीक नहीं है, क्लार्क प्रॉब्लम में है। इस पर वो कहती है क्या प्रॉब्लम है और वो उससे हाथ मिलाने जाती है तो वो देखती है कि उसका हाथ इन्फेक्टेड हो चुका है। और तब डेविस्टेटर बनकर वो कहता है मैं अब क्लार्क को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। और तब लुईस लेन के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है और वो आगे कह रहा था तुम्हें मेरी बात सुननी होगी लुईस, मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो, मैं तुम्हारे साथ वो होने नहीं देना चाहता जो मेरे वर्ल्ड के लुईस के साथ हुआ था। और तब हम देखते हैं अर्थ -1 पर मेट्रोपोलिस बहुत सालों पहले, जहाँ पर अपने हाथ में क्रिप्टोनाइट स्पेयर लेकर बैटमैन कह रहा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, हमें तुमसे डरना पड़ सकता है, मुझे लगा था कि ये सोलर स्टोन की वजह से हुआ या फिर डार्क साइड मिस्टर माइंड या फिर किसी नए तरह का क्रिप्टोनाइट क्योंकि लूथर ने डिजाइन किया हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमने ये जाना कि ये सब तुमने खुद किया है बिना किसी के माइंड कंट्रोल में आकर, और अब तुम्हें ये सब रोकना होगा। और तभी हम देखते हैं कि जिस हाथ में क्रिप्टोनाइट स्पीयर था सुपरमैन अपनी हीट विजन से वो हाथ तोड़ देता है और सुपरमैन उससे कह रहा था अब सब कुछ खत्म हो चुका है ब्रूस, तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो आगे कह रहा था तुम समझ क्यों नहीं रहे ब्रूस, पता नहीं कि सारे लीग मेंबर्स ऐसा क्यों कहते थे कि तुम मुझे हमेशा हरा दोगे हेड टू हेड कॉम्बैट में भी, देखा जाए तो मैं अपने हिट विजन से तुम्हें आधा काट सकता हूँ और एक टच से तुम्हारे सारे हड्डियाँ तोड़ सकता हूँ। और तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ एक स्पेयर बनाया, तुम समझ क्यों नहीं रहे, तुम सभी लोग मुझसे कमजोर हो। और जब बैटमैन वो स्पीयर लेने आगे बढ़ता है तो अपनी हीट विजन से वो उस स्पीयर को उससे दूर कर देता है। बैटमैन उसे कहता है मैंने तुम्हारे शब्दों पर विश्वास किया, तुमने हमसे प्रॉमिस किया था, तुमने हमारे लिए होप बनाई थी एक अच्छे फ्यूचर के लिए, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब सब कुछ झूठ लग रहा है। और वो अपने यूटिलिटी बेल्ट का एक बटन दबाकर कहता है और अब मैं तुम्हें खुद को हर्ट करने नहीं दूंगा। और उसी के साथ ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन अब बन चुका था डेविस्टेटर डूम्सडे वायरस के साथ और उसका हाथ भी रिजनरेट हो चुका था। और वो कह रहा था जब तुमने अपनी वाइफ को मारा तब मैं समझ गया था कि तुम अब तुम नहीं रहे, और जब तुमने हराया डूम्सडे को तो मैंने उससे एक डूम्सडे वायरस बनाया, एक बहुत ही पावरफुल वायरस जो तुम्हें हेड टू हेड कॉम्बैट में हराने के लिए काफी था, और अब तुम इसके लिए मरोगे, इसके लिए तुम सदा भुगतोगे। और तब वो अपने मुंह से क्रिप्टोनाइट सांस छोड़कर सुपरमैन को कमजोर कर देता है और उसे एक स्पाइक में घुसाकर वहीं पर मार देता है। और जहाँ पर डेविस्टेटर खड़ा था वहाँ की सारी जमीन उस डूम्सडे वायरस की वजह से स्पाइक से भर गई थी और साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड भी डेविस्टेटर बन चुका था और पूरा वर्ल्ड मल्टीवर्स का पार्ट होने की वजह से तबाह हो चुका था। और तभी वहाँ पर आ जाता है बैटमैन हु लाफ्स और हमेशा की तरह वो इसे भी वही ऑफर देता है जो उसने सारे बैटमैन और सारे नाइटमेयर बैटमैन को दी थी। और सभी की तरह डेविस्टेटर भी उसकी ये बात मान लेता है क्योंकि वो लुईस लेन और दूसरे वर्ल्ड को बचाना चाहता था। और यहाँ पर अर्थ जीरो पर हम देखते हैं मेट्रोपोलिस में एक दिन बाद सारे लोग लगभग डूम्सडे बन चुके थे और वहाँ की सारी जमीन भी डूम्सडे के स्पाइक से भर चुकी थी, जिस पर लुईस कहती है तुमने ये क्या किया, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो। उस पर वो कहता है मैं उन्हें स्ट्रॉन्गर बना रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद उनमें से हर एक सुपरमैन से टक्कर लेने के लायक होगा।
तुम इस वजह से अब तक चेंज नहीं हुई क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा वक्त बिताया है सुपरमैन के साथ और उसके सोलर रेडिएशन के एक्सेस की वजह से तुम अभी तक चेंज नहीं हुई, लेकिन तुम भी चेंज हो जाओगी और तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम कितनी स्ट्रॉन्गर हो उसके अलावा। और इतना कहते ही सुपरगर्ल वहाँ अपनी टीम के साथ आकर डेविस्टेटर से लड़ने लगती है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो भले ही डूम्सडे हो लेकिन उसके अंदर अभी भी ब्रेन ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन का था, और अगर बैटमैन अकेला ही सुपरमैन पर भारी पड़ सकता है तो डूम्सडे की ताकत के साथ वो सुपरगर्ल और उसकी टीम को माथा चकाना कैसे भूल सकता है, और वो ऐसा ही करता है। और डरी हुई लुईस लेन वहाँ से अपनी घर की तरफ रवाना होती है और घर में सन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने के लिए कहती है, लेकिन उसे ये पता चलता है कि जॉन अभी भी बाहर है और वो उसे अंदर खींचकर एक कमरे में लॉक करके कहती है तुम यहीं पर सेफ रहोगे और ये रूम स्पेशली तुम्हारे पापा सुपरमैन के लिए बनाया गया है, वो खुद भी इस रूम को नहीं तोड़ सकते और वो इसे आजाद नहीं हो सकते, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहीं पर रहो। और तभी लुईस लेन अचानक से चेंज होने लगती है। यहाँ पर डेविस्टेटर वो ट्यूनिक को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से उठाकर गॉथम सिटी के उस माउंटेन पर ले जाता है और उसी के साथ आसमान में एक चमक के साथ हमें एक पिलर दिखता है जहाँ पर उस पिलर में ईंटों और सीमेंट की जगह लोग भरे हुए थे, एक दूसरे से बंधे हुए थे और वो डार्क मल्टीवर्स में था और उसमें था सुपरमैन जिससे डेविस्टेटर कह रहा था। और इस सब के आखिर में तुम समझ गए होगे क्लार्क की असलियत क्या है, मैं ये होप करता हूँ कि किसी तरह तुम मेरे हार्ट की वॉइस सुन सको उस अपने प्रिजन में उस डार्क मल्टीवर्स में, और मैं होप ये करता हूँ कि तुम मेरी नफरत फील कर सको क्योंकि तुमने जो इस वर्ल्ड में किया और बाकी सभी वर्ल्ड्स में किया उसी की वजह से तुम्हारा ये हाल है। तुमने उन्हें बिलीव करना सिखाया, तुमने उन्हें ये कहकर बेवकूफ बनाया कि तुम हमेशा से उनके लिए थे, तुम हमेशा से उन्हें बचाओगे, हमेशा से उन्हें ऊपर उठाओगे, उन्हें बेटर बनाओगे, लेकिन आखिरकार यही चीज तुम्हें और उन सबको इस तबाही की तरफ ले आई, तुम्हें और तुम्हारे वर्ल्ड को। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगले वीडियो के लिए और इसके बाद क्या होगा ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।